गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम कवरअप करने वाले हैं कि बैंक मैनेजर को हम किस तरीके से एप्लीकेशन लिखेंगे फॉर इशू एटीएम कार्ड। तो आज की इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो हेल्पफुल होती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैंक मैनेजर को लेटर लिखने के लिए, एप्लीकेशन लिखने के लिए सबसे पहले आपको टॉप में लिखना होगा टू। टू लिखने के बाद हम लिखेंगे द बैंक मैनेजर, क्योंकि इस एप्लीकेशन को हम बैंक मैनेजर को लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू दी बैंक मैनेजर। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना बैंक का नाम लिखना है। सपोज आपका बैंक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो आप यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखेंगे, ना कि SBI। इसी तरीके से आपका जो भी बैंक है आपको उसका यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पे अपने ब्रांच का नाम लिखोगे, जो भी आपका ब्रांच है, जैसे कि जगदेव पथ, अनीशाबाद, कहीं भी आपका बैंक का अकाउंट हो वहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक लाइन लीव कर देना है। एक लाइन लीव कर देने के बाद आप यहाँ पे मेंशन करोगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप लिखोगे रिस्पेक्टेड सर और मैडम, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन लीव कर देंगे। एक लाइन लीव कर देने के बाद हम यहाँ पे मेंशन करेंगे हमारा करेंट सब्जेक्ट, क्योंकि हम किस लिए लिख रहे हैं एप्लीकेशन, ये यहाँ पे मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट लेटर टू इशू अ न्यू एटीएम कार्ड। हमें न्यू एटीएम कार्ड चाहिए, इसीलिए हम इस एप्लीकेशन को लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट में भी हम लिख देंगे रिक्वेस्ट लेटर टू इशू अ न्यू एटीएम कार्ड। अभी यहाँ पे हम लिखेंगे आई हैड ओपन। यहाँ से देखिए हमारा जो मेन बॉडी है लेटर का, यानी कि एप्लीकेशन का, वो स्टार्ट हो जाता है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आई हैड ओपन माई अकाउंट इन योर, आपको यहाँ पे अपने बैंक का नाम लिखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई हैड ओपन माई अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अ फ्यू मंथ्स बैक, बट सम हाउ आई डिड नॉट अप्लाई फॉर ATM कार्ड एट दैट टाइम। आई हैव बीन डूइंग विदड्रॉल प्रोसेस एंड अदर ट्रांजेक्शन प्रोसेस थ्रू द बैंक ओनली। Henceforth, I want to use an ATM card to debit money. ठीक है, debit money as the same my time. So kindly grant me a new ATM card as soon as possible. उसके बाद यहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है, और यहाँ पे आप लिखेंगे आई वुड बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंड एक्ट। उसके बाद यहाँ पे आप एक लाइन लीव करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एरो बनाया है, सो आपको एरो बनाने की ज़रूरत नहीं है। एरो का मतलब है कि आपको यहाँ पे एक लाइन लीव करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे थैंकिंग यू, आपको बैंक मैनेजर को धन्यवाद प्रकट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकाउंट डिटेल्स को मेंशन करेंगे। अकाउंट डिटेल्स में आप यहाँ पे लिखेंगे नेम एज़ पर बैंक रिकॉर्ड, आपका जो भी नाम है अपने बैंक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली वो आप अपना नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना है, जो भी कंसर्न बैंक है आपका उसमें जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर आपको लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे योर्स फेथफुली, अपना सिग्नेचर लिखेंगे, करेंट डेट लिखेंगे, उसके बाद आपका जो जगह है प्लेस वो लिखेंगे आप। सो इस प्रकार से बड़ी ही आसानी से आप बैंक मैनेजर को पत्र लिख अपने ATM कार्ड को इशू कराने के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।